सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते सब अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। सो इस वीडियो में इंस्टॉल करने वाले हैं KTM के ओरिजिनल LED इंडिकेटर्स ऑन माय NS200। तो एक्चुअली हुआ क्या कि मेरा जो इंडिकेटर था पीछे साइड का वो टूट गया था, तो मैंने ट्राई किया कि इंडियन जुगाड़ से पहले कि हम उसे फिक्स कर लें, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी चलती हुई चलती है जुगाड़। तो बहुत मैंने जुगाड़ करा कि भाई वो रुक जाए, जुड़ जाए, कुछ हो जाए, लेकिन वो रुका ही नहीं। सो बहुत टाइम से सोच रहा था कि इंडिकेटर्स अपग्रेड करूँ, KTM के इंडिकेटर्स लगाऊँ, बट कॉस्ट देखी जाए तो जो ओरिजिनल इंडिकेटर्स आते हैं, मतलब जो हमें शोरूम से मिलेंगे वो मिलेंगे हमें लाइक 2500 अराउंड समथिंग के। एंड जो मेरा फ्रेंड है जिससे मैंने गोरपो लिया था, उसी से मैंने बात करी तो पता चला कि वो इंडिकेटर्स सेल करता है ओरिजिनल KTM के। सो आई गॉट दिस फॉर लाइक हाफ ऑफ द प्राइस फॉर 1200 रुपीज़। एंड अभी दिखाता हूँ मैं को इंडिकेटर्स कैसे हैं, पहले टेस्ट कर लेते हैं इंडिकेटर्स का, देखते हैं इंस्टॉल कैसे करेंगे। सो लेट्स गो। ओके, सो ये रहे हमारे इंडिकेटर्स एंड जैसे देख सकते हैं आप एकदम ओरिजिनल ही हैं KTM के। सो अभी चलते हैं सबको टेस्ट कर लेते हैं एक बार एंड फिर इंस्टॉल करते हैं। ओके, सो जैसे आप देख सकते हैं उधर खड़े ही है अर्चित भैया के निंजा 1000, अभी कुछ टाइम से मेरे पास ही है। एंड ये रही मेरी बाइक NS एंड यहाँ पे रहा हमारा इंडिकेटर ये, एंड इसको मैंने अभी एक निकाल के कनेक्ट कर दिया। अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं ये कैसा वर्क कर रहा है, कैसा क्या विजिबिलिटी है इसकी। बाइक ऑन, इंडिकेटर ऑन, एंड देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी दे रहा है, काफ़ी ब्राइट है, बिकॉज ओरिजिनली है KTM का, ऐसा नहीं कि वो कुछ फेक है कुछ बेच रहा है, एकदम ओरिजिनल इंडिकेटर है KTM का। बाकी लेट्स इंस्टॉल इट, फिर देखते हैं चार इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं। You're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling dumb, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how? ओके, सो पीछे के इंडिकेटर्स दोनों लग चुके हैं, अभी ऑन करके देखते हैं। दिस इज ऑफ द राइट साइड, एंड दिस इज टू द लेफ्ट साइड। अच्छे लग रहे हैं, बस फ्लैश और तो अच्छा लगेगा, देखते हैं फ्लैश भी जल्दी आ गया, लगाते हैं। ओके, सो इंडिकेटर लग चुके हैं एंड अंधेरा इसलिए क्योंकि रात हो रही है, कुछ दिखेगा नहीं। एंड रात का इसलिए सुन अभी किया मैंने क्योंकि इंडिकेटर्स का आइडिया बेटर लग जाएगा। तो अभी स्टार्ट करके देखते हैं बाइक। एंड एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊंगा अभी, पहले को इंडिकेटर्स दिखा देता हूँ। ओके, तो अब इंडिकेटर्स ऑन करते हैं, सबसे पहले आगे का देख लेते हैं। तो देख सकते हो आप ठीक ठाक है, मतलब LED सही काम कर रही हैं क्योंकि ओरिजिनल KTM के इंडिकेटर्स हैं। अब इधर साइड को भी चेक कर लेते हैं, पीछे से चेक कर लेते हैं। देख सकते हो आप अच्छे खासे ब्राइट हैं। फिर एक चीज़ और है, जैसे देख सकते हो आप इंडिकेटर्स जो हैं ब्लिंक नहीं कर रहे अभी जब बाइक ऑफ है, जब इंजन स्टार्ट नहीं है। वो भी क्यों? क्योंकि NS में जो हमारे इंडिकेटर्स आते हैं वो आते हैं सिंगल बल्ब। अब जैसे हम इंडिकेटर्स लगाएंगे तो उसमें 3 LEDs होती हैं, तो उसमें एक रिले लगेगी 60 रुपीज़ की, जो मैंने लगवाई नहीं है अभी, कल मैं लगवाऊंगा जाके क्योंकि मैंने खुद ही इंडिकेटर्स चेंज किए थे। तो उस रिले से क्या होता है, पावर जो है मैक्सिमम मिलती है इंडिकेटर्स को ब्लिंक होने के लिए जब इंजन ऑफ रहता तब भी। सो अभी नहीं लगी है तो वो नहीं कर रहे हैं,
मतलब बाइक स्टार्ट पे तो वो ठीक चलेंगे, पावर मिल जाएगी, बट बाइक जब ऑफ रहेगी तो उन्हें पूरा मतलब वो नहीं मिलेगा, वो ब्लिंक नहीं करेंगे जैसे देख सकते हो आप। ये बस इतने पे ही होके रह जाएगा। यहीं पे मैं अगर बाइक स्टार्ट करता हूँ तो देखा बाइक स्टार्ट करने में ब्लिंक हो रहा है और वो नहीं हुआ जब तक रिले नहीं होगी बाइक ऑफ में। सो दिस इज ऑफ द ब्लॉग एंड दीज इंडिकेटर्स कॉस्ट मी अराउंड 1200। लिंक आपको इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से मैंने खरीदे हैं। जाओ खरीदो, लगाओ एंड मज़े करो। टिल देन बाय, टेक केयर, राइड सेफ।